नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नई नियोजन नीति का अनोखा विरोध, शादी में दूल्हे को भेंट की गई 60-40 नहीं चलतो लिखी तख्ती। नई नियोजन नीति झारखंड सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिससे न उगलने बन रहा है न ही निगलने। बता दें, झारखंड के युवा आए दिन सड़क पर उतर कर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सरकार को 60-40 नीति को लेकर आए दिन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्र संगठनों द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन से इतर स्थानीय युवा अपने स्तर पर नई नियोजन नीति के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अपने टी शर्ट में 60-40 नहीं चलते लिखा कर विरोध जता रहा है, तो कोई गाड़ियों पर झंडा लगाकर इसका विरोध कर रहा है। बता दें, सोमवार को नवाडीह से नई नियोजन नीति के विरोध का एक अनोखा स्वरूप सामने आया है। नवाडीह के कीमोजोरिया शिव मंदिर में संपन्न एक विवाह के दौरान एक युवक की ओर से नेगाचारी में दूल्हे को 60-40 नहीं चलतो लिखी तख्ती भेंट काफी चर्चा का विषय बन रहा है। जानकारी के अनुसार, नवाडीह प्रखंड के ऊपरघाट स्थित दल कीरो निवासी मनोज महतो का विवाह बीते सोमवार को कीमोजोरिया निवासी नीता कुमारी संग स्थानीय शिव मंदिर में हो रहा था। इसी दौरान लड़का पक्ष की ओर से शादी में कीमोजोरिया पहुंचे नारायणपुर निवासी खगेंद्र महतो ने नेगाचारी में दूल्हे को 60-40 नहीं चलतो लिखी तख्ती भेंट की। झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, 98.15% परीक्षार्थी सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। इस बार 98.15% परीक्षार्थी सफल हुए। बता दें, 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 378,376 छात्रों ने दाखिला लिया था, जिसमें से 368,402 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 361,615 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 11वीं बोर्ड का स्कोर कार्ड देखने के लिए जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट से संबंधित अपडेट के लिए jack.jharkhand.gov.in पर भी देखा जा सकता है। झारखंड के 136 प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे पब्लिक हेल्थ यूनिट। झारखंड के 136 प्रखंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाएगी। इन यूनिटों का निर्माण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत होगा। इस पर केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी स्थापना को लेकर स्वीकृति आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण पर 80.96 लाख रुपये खर्च होंगे। इनमें 50 लाख रुपए आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे, जबकि शेष 30.96 लाख रुपए सेटअप कास्ट के रूप में खर्च किए जाएंगे। जिन प्रखंडों में इन यूनिटों की स्थापना है, उनका चयन कर लिया गया है। विभाग द्वारा जारी स्वीकृत आदेश के तहत इसके भवन निर्माण के लिए एजेंसी का चयन जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा किया जाएगा। जेटेट परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने जेटेट परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा 7 साल बाद भी क्यों लंबित है। इस मामले में अदालत ने सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इससे संबंधित हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ टैग करते हुए सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है। इस संबंध में झारखंड सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वसुंधरा राजे ने हेमंत सरकार को बताया भ्रष्टाचार के लिए मशहूर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवघर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए चर्चित है। हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को इसलिए अलग किया था ताकि यहाँ की संपदा से यहाँ के लोगों का भला हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने तो अपने ही परिवार के नाम पर खदान ले लिया, जिसकी जाँच चल रही है। झारखंड के देवघर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए वसुंधरा राजे ने दोनों हाथ उठाकर झारखंड की जनता को संकल्प दिलाया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीट जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तो देश को बेहतर से बेहतर दिया है, अब हमारी बारी है। झारखंड में चुनाव आयोग हेल्दी रोल हेल्दी पोल थीम पर कर रहा काम। हेल्दी रोल हेल्दी पोल की थीम पर झारखंड में एक नया प्रयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यदि यह सफल हो गया तो यह देश के लिए रोल मॉडल साबित होगा।
दरअसल सही वोटर की पहचान को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अभी तक बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान वोटरों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें कई तरह की शिकायत आती रही है। अब बीएलओ बगैर घर घर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जमा कर देते हैं, जिसमें कई तरह की शिकायतें मिलती थी। इन परेशानियों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक घर में बीएलओ को एक स्टिकर चिपका कर आने को कहा है। रांची में रोजगार मेले में 151 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के छठवें चरण में झारखंड में नवनियुक्त 151 युवाओं को मंगलवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में संगठनों में नौकरी मिली है। CCL के कन्वेंशन सेंटर में रोजगार मेला के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के छठे चरण में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया। वहीं डाक विभाग, रेलवे, अलग अलग बैंकों सहित अन्य विभागों में नव नियुक्ति कुल 151 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा है कि एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में वे अपना योगदान दें। कोडरमा पहुंचे राज्यपाल, बोले शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा बेहतर कार्य। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे। जिले में अपने दौरे की शुरुआत सदर अस्पताल पहुँच कर किया। सदर अस्पताल में राज्यपाल ने विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण क्रम में उन्होंने OPD, इमरजेंसी, महिला व पुरुष वार्ड, पैथोलॉजी, OT समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही मरीज और उनके परिजनों से मिलकर दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं को भी जाना। इसके बाद राज्यपाल का काफिला जिला मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचा, जहां स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। राज्यपाल यहां करीब आधा घंटा तक रहे और स्कूली व्यवस्था का जायजा घूम घूम कर लिया और उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था से रूबरू हुए। श्रावणी मेला को लेकर बैठक, 20 जून तक सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं से जुड़ी सभी सुविधाओं और तैयारियों को 20 जून 2023 तक हर हाल में दुरुस्त कर ले, कार्य में गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए, यह निर्देश देवघर DC मंजूनाथ भयंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने काम कर रहे संवेदकों और एजेंसियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करे। हजारीबाग में किशोरी से दुष्कर्म मामला दर्ज। झारखंड के हजारीबाग में एक किशोरी ने युवक रोहित कुमार पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना पर खंड के एक गांव की इस घटना को लेकर परिजनों से शिकायत करने गए किशोरी के भाई के साथ आरोपी एवं उसके भाइयों ने मारपीट कर दी है। किशोरी की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार किशोरी अपनी माँ के साथ पड़ोस के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। जून के अंत तक शुरू हो सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड वासियों को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलने वाला है। इस ट्रेन का ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। झारखंड के लोग जल्द ही भारत की इस आधुनिक ट्रेन से यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें, रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने के लिए यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1760 रुपये तो चेयर कार के लिए 890 रुपये देने होंगे। इसमें कैटेगरी की दर नहीं जोड़ी गई है। यात्री अपनी इच्छा अनुसार खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। NEET UG रिजल्ट में झारखंड की राखी कुमारी स्टेट टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्नातक मेडिकल दाखिला परीक्षा NEET UG 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही झारखंड के आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली रांची की छात्रा राखी कुमारी को बधाइयां मिलने लगी है। दरअसल राखी ने कुल 720 में से 705 अंक प्राप्त कर पूरे झारखंड राज्य में पहला तो ऑल इंडिया रैंकिंग में 149 प्राप्त किया है। रिजल्ट की जानकारी मिलते ही राखी के शिक्षकों और कोचिंग सेंटर की बधाई मिलने लगी। राखी ने विशेष बातचीत के क्रम में कहा है कि उन्हें स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि वह स्टेट टॉपर बनी है। राखी ने बताया कि नीट परीक्षा जारी 10वीं के बाद से ही शुरू कर दी थी। झारखंड में सिंचाई की समस्या गंभीर। राज्यपाल ग्रामीणों से सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को चात्रा पहुंचे। वे चात्रा के पंचायत भवन में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सिंचाई की समस्या गंभीर है। वे जहां कभी भी जा रहे हैं वहां सिंचाई की समस्याएं बताई जा रही है।
इसे गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा, सभी परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो ऐसा प्रयास होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं उनकी आकांक्षाओं को न जाना जाए तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। झारखंड के नक्सल प्रभावित गांवों की बदल रही तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इससे वे दशकों तक वंचित थे, अब दुरूह गांव तक सरकार और सरकार की योजनाएं भी पहुँच रही है। नक्सल प्रभावित चाईबासा की आबो हवा को बदलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बता दें सोलर लाइट, ओपन जिम व मेडिकल कैंप के जरिए इन गांव की तस्वीर बदल रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुरुस्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालित पुलिस पिकेट एवं सीआरपीएफ कैंपों में बिजली सुविधा की अनुपलब्धता को देखते हुए 13 पुलिस पिकेट एवं कैंप में 25 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाया गया है। पूर्व सांसद का विवादित बयान, बोले यादव थे हमारे पूर्वज। लोकसभा चुनाव से पहले धर्म आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस बीच एक चौंकाने वाला बयान दिया है। गोड्डा में मंगलवार को उन्होंने कहा है कि पहले हम लोग यादव थे, सामंती ताकतों के कारण मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर हुए, इसके पीछे सामंती लोगों का अत्याचार अहम कारण रहा। उन्होंने कहा है कि सामंती ताकतों ने इतने अत्याचार और जुल्म किए कि हमारे दादा परदादा धर्म बदलने को मजबूर हो गए। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों में मंडरिया जाति है, वह वास्तव में मंडल सरनेम लिखने वाले लोग रहे हैं। मतांतरण के बाद वे लोग मंडल से मंडरिया मुसलमान बन गए। समिति के सुझावों के इंतजार में 8वीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में हो रही देरी। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष नहीं हो पा रहा है। 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी हुए एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अगली परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बता दें सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अगली प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। फिलहाल इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। जेपीएससी ने 7वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम पिछले साल 31 मई को जारी किया था। परिणाम जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल ही 8 जुलाई को सफल 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। कुश्ती के खिलाड़ियों के समर्थन में झामुमो। दिल्ली में कुश्ती पहलवानों के आंदोलन को लेकर पूरे देश में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा है। रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ पोस्को एक्ट हटाने के बाद झारखंड में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भारत का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाली कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वह गलत है। इससे भी ज़्यादा गलत है कि जब इन्होंने अपने ऊपर हुए ज्यादती को लेकर विरोध किया तो सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। इरफान अंसारी दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी, निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया। जामतला विधायक इरफान अंसारी ने खुद को निलंबन मुक्त करने की मांग को लेकर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया है। बता दें कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दिल्ली दौरे पर है, वहाँ उन्होंने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इरफान ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने निलंबन को खत्म करने की मांग की। आपको बता दें कि हावड़ा कैश कांड मामला सामने आने के बाद से झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को निलंबन कर दिया गया था। सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन कल तक। सीबीएसई की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष बचा है। विद्यार्थी 15 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद 16 और 17 जून को ₹2000 विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थियों को आवेदन करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होगी। बता दें सप्लीमेंट्री परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ₹300 प्रति विषय शुल्क विद्यार्थियों को देने होंगे। नेपाल के छात्रों के लिए यह शुल्क ₹1000 प्रति विषय और अन्य देशों के लिए ₹2000 प्रति विषय शुल्क होगा। छोटे निजी विद्यालयों को बंद करने की हो रही साजिश, पासवा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने मान्यता शर्त और यू डैश पोर्टल पर छात्रों की मांगी गई जानकारी को आधार बताकर स्कूलों को बंद करने को एक साजिश बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
पासवा प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा है कि झारखंड के छोटे निजी विद्यालयों को बंद करने की साजिश शिक्षा विभाग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यूडैश पोर्टल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के डाटा भरना होता है। इस कार्य को पूरा नहीं करने पर निजी विद्यालयों को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, जो कतई भी मान्य नहीं है। आरटीई के तहत संपूर्ण राष्ट्र में कहीं भी इस तरह की शर्त नहीं है। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा 17 को करेगा सीएम आवास का घेराव। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 17 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने कहा है कि सीएम आवास घेराव से पहले मोर्चा की ओर से सभी मंत्रीगण के आवास पर अपनी मांग पत्र के साथ आमंत्रण दिया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य के सहायक अध्यापकों की एक नियमावली बनी है जिसमें कुछ बिंदुओं पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। इन बिंदुओं को लेकर राज्य के सहायक अध्यापक 17 जून को रांची में जुटेंगे। हमारी प्रमुख मांग राज्य के सहायक अध्यापकों का वेतन, ईपीएफ और अनुकंपा का लाभ दिए जाने की है। साथ ही आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द किए जाने, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित का एक मौका दिए जाने, 14% मानदेय बढ़ोतरी जनवरी 2023 से सभी सहायक अध्यापकों को अविलंब दिए जाने की मांग की गई है। जामताड़ा पुलिस ने 12 साइबर आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने सोमवार 12 जून की रात कर्माटांड थाना क्षेत्र के कुरुआ और बारादहा गांव में छापेमारी कर 12 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कर्माटांड थाना क्षेत्र के बारादहा गांव निवासी साबा अंसारी शामिल हैं। झारखंड सरकार के अनिर्णायक रवैया से शिक्षक और छात्र दोनों परेशान। झारखंड सरकार के अनिर्णायक रवैया के कारण राज्य के शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। पहले तो राज्य सरकार ने जारी कैलेंडर का हवाला देते हुए भीषण गर्मी में ही विद्यालयों को खोल दिए। 4 जून को ही राज्य के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गई और जला देने वाली गर्मी के बीच 5 जून से सरकारी विद्यालय संचालित होने लगे। अब भीषण गर्मी के चलते विद्यालयों में बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें भी सामने आई है, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने भी ग्रीष्मावकाश में इजाफा करने की जरूरत नहीं समझी। कहा गया है कि परीक्षा फल समय पर प्रकाशन किया जाना है। 12 जून को कक्षा 1 से 7 तक का परीक्षा फल प्रकाशन कर वितरण किया जाना है। मनरेगा कर्मियों के बकाए भुगतान मामले की सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में मनरेगा कर्मियों के वर्ष 2009-10 के बकाए भुगतान मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उप श्रम आयुक्त सशरीर हाजिर हुए। उनका जवाब सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रार्थी को मामले में रामगढ़ के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा गिरिडीह में करोड़ों के गमन का मामला। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। कहा है कि उनके गृह जिला गिरिडीह में शराब कंपनी और सेल्समैन की साठगांठ से करोड़ों रुपये के गमन का मामला सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी छत्तीसगढ़ कंपनी की संलिप्तता सामने आई है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने शराब नीति के नाम पर झारखंड में शराब घोटाले जाल बुना है, इसमें झारखंड फंस गया है, राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।